गाइस एक बार फिर से क्रेजी फॉर टीवी लौट आया है बीते दिनों के साथ बड़ी खबरें लेकर। तो जल्दी से आपको बताते हैं बीते 7 दिनों के साथ बड़ी खबरों के बारे में। हफ्ते में छाने वाली पहली टॉप न्यूज। वायरल हुआ तेजस्वी का नया लुक क्लिप के बाद इस अवतार में मचाएंगी खलबली। बीते दिनों एकता कपूर ने तेजस्वी के नए लुक के वीडियो को शेयर करके जनता में खलबली मचा दी। जहां तेजा के नए लुक पर लोगों ने प्यार बरसाया तो वहीं नागिन 6 में लीप के बाद कैसे तेजस्वी का किरदार नजर आएगा ये क्यूरियोसिटी भी बढ़ चुकी है। तेजस्वी का नया लुक सामने आते ही पूरे हफ्ते तेजा छाई रही। हफ्ते में छाने वाली दूसरी टॉप न्यूज। सलमान नहीं रोहित करेंगे इस बार के सीजन को होस्ट। बीते दिनों इस खबर ने भी सभी को हैरान कर दिया कि बिग बॉस 16 को सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे। खबरें सामने आई कि सलमान ने मेकर से पूरे सीजन के लिए 1000 करोड़ की मांग की है और फीस को लेकर मामला अटकने के कारण अब मेकर्स ने शो के होस्ट को रिप्लेस करने का फैसला किया है। हालांकि बॉलीवुड लाइफ की खबर की माने तो शो से जुड़े एक सोर्स ने सलमान को रिप्लेस करने की इन खबरों को अफवाह बताया है। हफ्ते में छाने वाली तीसरी टॉप न्यूज। उडानिया में लीप के बाद होगी प्रियंका अंकित की एग्जिट। हाल ही में उडानिया का नया लीप वाला प्रोमो सामने आया जिसमें जैस्मिन और तेजो की बेटियों को रूबरू करवाया गया। जहां इस नए ट्रैक ने फैंस की बेचैनी बढ़ा दी तो वहीं इसी के साथ इस खबर ने खूब बवाल मचाया कि जल्द ही शो में जनरेशन लीप भी आने वाला है जिसके साथ प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता जो शो में फतेह और तेजो का किरदार निभा रहे हैं वो शो को छोड़ देंगे। इस खबर से फैंस काफी निराश दिख रहे हैं जिसके बाद मेकर्स को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। हफ्ते में छाने वाली चौथी टॉप न्यूज। सोनाली फोगाट के निधन ने मचाई सनसनी। 23 अगस्त के दिन बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट के निधन की खबर ने सनसनी मचा दी। खबरों में कहा गया कि सोनाली की मौत 22 अगस्त की रात गोवा में हार्ट अटैक के कारण हुई है जिसके बाद सोनाली के चाहने वाले सदमे में आ गए। तो वहीं कुछ लोग सोनाली की मौत पर सीबीआई जांच की मांग तक करने लगे। बता दें कि सोनाली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और मौत से चंद मिनटों पहले उन्होंने अपने कई वीडियोस पोस्ट किए थे जिसमे वो बेहद तंदुरुस्त नजर आ रही थी। हफ्ते में छाने वाली पांचवी टॉप न्यूज। प्रतीक और अमनदीप के नए लुक को देख मची हलचल, नागिन 6 से जोड़ रहे फैंस। हाल ही में प्रतीक सहजपाल और अमनदीप सिद्धू की ये तस्वीरें खूब वायरल हुई। नागिन के फैंस के बीच में ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। फैंस में कयासबाजी देखी जा रही है कि नागिन 6 में जनरेशन लीप के बाद ये दोनों स्टार्स इसी लुक में नजर आएंगे। हफ्ते में छाने वाली छठी टॉप न्यूज। कपिल शर्मा शो के नए सीजन से सृष्टि ने की 4 साल बाद वापसी। हाल ही में द कपिल शर्मा शो के नए सीजन का पहला प्रोमो मेकर्स ने जारी किया। प्रोमो ने तो सभी को लोटपोट कर ही दिया, साथ ही प्रोमो में सृष्टि रोड़े पर सभी का ध्यान गया जिन्हें देखकर जनता काफी खुश हुई। बता दें कि सृष्टि पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी करती नजर आएंगी और इस शो के जरिए वो 4 साल बाद टीवी पर कमबैक कर रही हैं। हफ्ते में छाने वाली सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज। लीप के बाद ये एक्टर करेगा फहमान को रिप्लेस। खबरें ये सामने आई हैं कि शो में लीप के बाद एक्टर आशी मिश्रा लीड रोल निभा सकते हैं। खबरें हैं कि आशी को लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आशी ही फहमान की जगह लेंगे लीप के बाद। फिर तो यह है इस हफ्ते छाने वाली 7 बड़ी खबरें।